In Italy tonight, 16 million people in the country's hot zone now in lockdown. कोरोना पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों से स्कूल, कॉलेज और स्विमिंग पूल 31 मार्च तक बंद करने को कहा। निश्चिंत हो जाने की ये सोच सही नहीं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं जैद पटेल लेकर हाजिर हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड। कोरोना वायरस दुनिया के 164 कंट्रीज तक पहुंच चुका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फिगर्स के मुताबिक 1,93,000 लोग कंफर्म्ड अफेक्ट हो चुके हैं और इनमें से 7,800 लोगों की मौत हो चुकी है। इतना सब कुछ होने के बावजूद हमारी कंट्री इंडिया में सोशल मीडिया के बदौलत ऐसी वीडियोस वायरल होती मिलती हैं जिसमें यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या कोरोना वायरस रियल है। मैं आप सबके सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूं और इस वीडियो के अंदर आगे का एक्शन प्लान क्या होना चाहिए वो डिस्कस करना चाहता हूं। मिसाल के तौर पर एक वीडियो जो हमारे सामने लाई गई, उसके अंदर तो प्रेजेंटर ने यह क्लेम किया है कि कोरोना वायरस नाम की कोई चीज है ही नहीं, ये सिर्फ एक बिजनेस है जिसकी वजह से एक पूरा एक प्रोपेगेंडा किया गया है। और ये जो केसेस जो डिटेक्ट हो रहे हैं, ये इसलिए डिटेक्ट हो रहे हैं क्योंकि उसका जो टेस्ट होता है पीसीआर टेस्ट, उसकी तकरीबन 99% एक्यूरेसी है। तो जो 1% जो बच जाता है, जो मिस्टेकन केस होता है, वो मिस्टेकन केसेस की वजह से इतने सारे कोरोना वायरस डिटेक्ट हो रहे हैं। हालांकि अगर आप खुद देखो तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी कहा था कि कोरोना वायरस जो लोगों का टेस्ट हो रहा है उनका कंफर्मेटरी टेस्ट का कॉस्ट भी गवर्नमेंट देगी, यानी कि कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। और अगर आप खुद जाकर विकिपीडिया के पेज पर ही देख लें तो यह बात है कि अगर कोई पर्सन डिटेक्ट होता है कि उसे कोरोना वायरस है तो उसका एक सेकेंड कंफर्मेटरी टेस्ट भी होता है, जैसे कि क्लियरली दिया हुआ है। खुद अमेरिका के सीडीसी के प्रोसीजर में भी यह बात जिक्र है। दूसरी बात यह कही जा रही है, यह चाइना ने खास खुद फैलाया है ताकि कोरोना वायरस के नाम में एक बहुत बड़ा बिजनेस करे। लेकिन यह बात भी बिल्कुल गलत दिख रही है। क्यों? क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि फार्मा का, दवाओं का साल भर का बिजनेस टर्नओवर कितना है। 2018 में $1.2 trillion था सारी दुनिया की सारी कंट्रीज और सारी दवाओं को मिलाकर, सारी बीमारियों को मिलाकर $1.2 trillion था, जो 2023 तक एक्सपेक्टेशन है कि $1.5 trillion तक पहुंच जाएगा। चाइना खुद एक $14 trillion इकॉनमी है और जो इस साल में अब तक जो चाइना को लॉस हो चुका है, कहा यह जा रहा है कि चाइना की इकॉनमी पूरी डिवास्ट हो गई है और फर्स्ट क्वार्टर के अंदर 6% इकॉनमी डिप होने के चांसेस है। बाकी कंट्रीज में लॉकडाउन की वजह से जो बिजनेस लॉसेस हो रहे हैं वो तो हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि जो डॉक्टर की वीडियोस बताई जा रही है वो हकीकत में कोई मेडिकल डॉक्टर भी नहीं है और उन्होंने पीएचडी किया है जैम्बिया में, अफ्रीका में जैम्बिया से, एक ऐसी यूनिवर्सिटी से जिसके वजूद के ताल्लुक से भी कुछ डाउट्स है लोगों को। और हम ये देखते हैं कि इंटरनेट पर उनके कई सारे रेफ्यूटेशंस भी अवेलेबल है। तो मतलब बोलने और समझने की बात क्या है, ये जो सारी कॉन्स्पिरेसी थियोरीज होती है ना, जब इनका ताल्लुक हमारी जिंदगियों से हो जाता है और कोरोना वायरस के ताल्लुक से जो स्टेप्स लेना चाहिए, जो प्रोटेक्शन हमें करना चाहिए, अगर हम ना करें ये सारी अफवाहों की वजह से, तो ये तो बहुत डेंजरस बात बन जाती है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि इन थियोरीज में कोई बात सही भी है, लेकिन ये बात भी याद रखना है, बेटर सेफ देन सॉरी। कोरोना वायरस को बनाया गया, फैलाया गया या क्या चीज है वो हमें नहीं पता, लेकिन ये बात तो पता है कि कोरोना वायरस फैल चुका है। अब मैं आपके सामने वो बात रखना चाहता हूं जिस वजह से कोरोना वायरस हकीकत में इतना डेंजरस है। आपके सामने रिपोर्ट है कि जो कोरोना वायरस के केसेस होते हैं उसमें से 81% केसेस माइल्ड होते हैं, मतलब कोई सिम्टम हार्डली जाहिर होता है और जो सिम्टम्स होते भी है वो बहुत माइल्ड होते हैं, बहुत कम होते हैं। 14% केसेस के अंदर सिवियर सिम्टम्स होते हैं और 5% केसेस क्रिटिकल होते हैं। क्या ये अच्छी खबर है या बुरी खबर है? सुन के तो ऐसा लग रहा है 81% केसेस माइल्ड लगता है, अच्छी खबर है, लेकिन हकीकत ये है यही तो बुरी खबर है। कोरोना वायरस सबसे ज्यादा कब स्प्रेड होता है? स्टडीज में आया है जब उसके सिम्टम्स पता ही नहीं होते हैं, मतलब एक शख्स को पता ही नहीं होता है कि वो बीमार है, वो कोरोना वायरस उसे अफेक्ट कर चुका है, उस वक्त पर वो सबसे ज्यादा वायरस को स्प्रेड करता है। यहां तक कि जो टोटल केसेस है उसमें से बाज रिपोर्ट्स में आया है कि 10% केसेस ऐसे कैच कर चुके हैं,
जिन केसेस के अंदर जिस शख्स को इन्फेक्शन मिला और जिस शख्स से इन्फेक्शन मिला वो शख्स के सिम्टम जाहिर ही नहीं हुए थे। ये कोई अननोन बात नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड प्रूवन बात है। इसी वजह से कोरोना वायरस बहुत तेजी से स्प्रेड होता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी पेशेंट को टीबी है या कोल्ड है, आप देख के समझ सकते हैं सिम्टम्स, आप देख करके कहेंगे थोड़ा दूर रहो बचो। अगर एक शख्स को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है, आप उससे मिलते हो, उसे पता भी नहीं है कि वो इन्फेक्टेड है और अनजाने में उसका इन्फेक्शन आप तक पहुंच जाता है, आप भी इन्फेक्टेड हो जाते हो, आपको भी पता नहीं चलता है। कोरोना वायरस का डेथ रेट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज की तारीख में जो रिपोर्टेड केसेस WHO ने बताया वो हिसाब से तो 4% दिख रहा है, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर ये किया था कुछ दिन पहले कि 3.4% है डेथ रेट, यानी कि अगर 100 लोगों को केस होता है तो 3.4 लोगों की मौत हो जाती है। आगे जाकर वुहान शहर में 2 दिन पहले रिपोर्ट रिलीज हुई है कि डेथ रेट पाया गया 1.4%। ये डेथ रेट सारी उम्र के लोगों के लिए बराबर नहीं होता, जैसा कि आप देख सकते हैं अप टू 49 ईयर्स सिर्फ डेथ रेट 0.4% है, लेकिन उसके बाद बड़ी उम्र वाले लोगों के लिए ये डेथ रेट 3.6 से 8% तक 14.8% तक पहुंचता है। कॉमन कोल्ड जो आम सर्दी होती है उसके कंपैरिजन में आप देख सकते हैं क्या है कोरोना वायरस का स्टेटस, लेकिन बाकी बीमारियों के कंपैरिजन में कोरोना वायरस का डेथ रेट बहुत कम है। कोरोना वायरस डेडली क्यों है? उसके फास्ट स्प्रेडिंग एक्शन की वजह से, इतनी तेजी से स्प्रेड होता है। यहां तक कि एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अगर अनकंट्रोल छोड़ दिया जाए कोरोना वायरस को तो पूरी दुनिया की 60% आबादी को कोरोना वायरस इन नो टाइम इन्फेक्ट कर सकता है। किसी भी कंट्री में 100 केसेस एक बार हो जाए तो आप इस चार्ट में देखिए कि उसके बाद ये सारी कंट्रीज में कितनी तेजी से आगे बढ़ा है। यहां तक कि आप इटली की मिसाल में देख सकते हैं कि 100 केसेस से 31,000 केसेस तक कितनी तेजी से कोरोना वायरस आगे बढ़ा। ईरान में 100 केसेस से 17,000 केसेस तक कितनी तेजी से पहुंच गया कोरोना वायरस। अब हम बात करते हैं हमारी कंट्री इंडिया के बारे में। इंडिया में जैसा कि हम सब जानते हैं 150 केसेस हो चुके हैं, लेकिन यह नंबर रियलिटी में इससे बहुत ज्यादा होने के एस्टिमेट्स हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर सारे केसेस का टेस्ट नहीं हुआ है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स में कोरोना वायरस के सारे सिम्टम्स मौजूद हैं तो क्या उसका टेस्ट होगा? अब तक तो ऐसा नॉर्मली नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तक उसका कोई कनेक्शन किसी फॉरेन कंट्री से ना मिले या उसके पास कोई उसके ताल्लुक में कोई ऐसा शख्स है जो फॉरेन से नहीं आया है, तब तक उसका टेस्ट नहीं होगा। इसी वजह से माना जाता है कि ये जो फिगर्स आ रहे हैं ये हकीकत से बहुत कम है। आपने देखा वो सारे कंट्रीज का चार्ट, 100 केसेस के बाद किस तरह से कोरोना वायरस तेजी से फैलता है। इंडिया की पॉपुलेशन हमारी कितनी हम सब जानते हैं, यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, यहाँ पे कितना ख्याल रखा जाता है और यहाँ पे क्लीनलीनेस का और हाइजीन का स्टैंडर्ड कितना है वो हम सब जानते हैं। मैं आपके सामने एक बहुत हार्श रियलिटी रखना चाहता हूं। अगर अनकंट्रोल्ड कोरोना वायरस को सपोज करिए इंडिया में छोड़ दिया गया और जैसा कि उसके ग्रोथ और ट्रेंड को देखा गया है वो 60% आबादी को इन्फेक्ट कर सकता है, यानी कि 82 करोड़, उनमें से जो सिवियर केस होंगे 11.5 करोड़, उनमें से जो क्रिटिकल केसेस होंगे 4 करोड़ 10 लाख, और जो मौत है अगर मिनिमम रेट भी गिनते हैं 1% तो 82 लाख मौत होगी। और अगर ये पूरे चार्ट को अगर हम वर्स्ट केस सिनेरियो 60% इन्फेक्शन नहीं 30% इन्फेक्शन गिनते हैं तो भी आप देख सकते हैं 2 करोड़ क्रिटिकल केसेस होंगे और 41 लाख मौत। कहां से लाएंगे इतने सारे हॉस्पिटल बेड्स? जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उनमें से तकरीबन 1/3 को ICU चाहिए होता है, कहां से लाएंगे इतने सारे ICU बेड्स? बाज लोग ये सोशल मीडिया में इस चीज के ताल्लुक से भी बेरुखी बताते हैं, कहते हैं देखो मौतें तो होती ही रहती है ना, लोग तो ऐसे ही मरते हैं ना, तो कोरोना वायरस से भी मरेंगे। आप खुद देखो जो हमारा डेथ रेट है वो डेथ रेट के हिसाब से हर महीने तकरीबन 8,33,000 लोगों की मौत होती है, 40 लाख और 80 लाख लोगों की मौत नहीं होती। जब हमारे पास हॉस्पिटल्स में उतने बेड्स नहीं है, हमारे पास ICU बेड्स नहीं है, तो हकीकत यह है डेथ रेट जितना बताया गया 1% से मैं कैलकुलेट कर रहा हूं इससे बहुत हाई होने के चांसेस होते हैं। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, कोरोना वायरस को कंट्रोल कैसे करें? कोरोना वायरस के कंट्रोल में जो हमारे पास सबसे सक्सेसफुल लेकिन बहुत ही हार्श मिसाल है वो है चाइना की। आप देख सकते हैं कि डेली केसेस चाइना में कितने आ रहे थे
और चाइना ने जब अपने कंट्रोल मेजर्स और लॉकडाउन को इम्पोज किया, यहां तक आके टोटल टाइप के क्वारंटाइन सिचुएशन क्रिएट कर दी, लोगों को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, तो उसके बाद में आप देख सकते हैं कि चाइना के अंदर जो डेली केसेस है किस तरह से ड्रॉप हो गए। उसके बाद में देखिए यूरोप के अंदर ग्रोथ हो रही है। आइए इस चीज को समझते हैं दो मिसालों के जरिए, ताकि हम सब बहुत अच्छी तरह से समझ लें हमें कोरोना वायरस को कैसे कंट्रोल करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक अच्छी खबर बताना चाहता हूं। जितने लोगों को कोरोना वायरस का इंफेक्शन हुआ था उसमें से तकरीबन 82,000 लोग टोटली रिकवर हो चुके हैं। पहली मिसाल से शुरू करते हैं। ये एक ऐसी सोसाइटी की मिसाल है जिसमें कोई पाबंदी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लॉकडाउन नहीं है, कोई लोगों को अलग थलग रहने नहीं कहा गया है। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो ब्राउन डॉट वाला है वो इन्फेक्टेड पर्सन है जिसे इन्फेक्शन है, और जो ब्लू डॉट में है वो हेल्दी है, और जो पिंक में है वो रिकवरी जिसकी हो गई वो है। अब आप देखिए क्या हुआ, ये 200 लोगों की सोसाइटी के अंदर आप ये जो पहाड़ देख रहे हैं ना, पहाड़ी का उसका कर्व देखिए, अपवर्ड कर्व, अगर इसके अंदर इंडिया जैसे 137 करोड़ लोग होते तो ये कर्व कहां तक ऊपर जाता और कितने कम वक्त के अंदर जाता वो आप इसके अंदर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक दूसरी मिसाल देखते हैं कि ऐसी सोसाइटी की जहां के पौने यानी कि 75% लोग रिस्ट्रिक्टेड है, यानी अपनी ही जगह पर रुके हुए हैं, 25% लोग हैं हर जगह घूम रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर वो इन्फेक्शन कितनी स्लो स्पीड से स्प्रेड हो रहा है और साथ साथ में किस तरह से लोग रिकवर भी हो रहे हैं। यहां पर हॉस्पिटल बेड्स की कमी नहीं होगी, यहां पर प्रॉपर अटेंशन दिया जा सकता है, एक साथ में बहुत सारे लोगों की मौत नहीं हो जाएगी, और जो वक्त गुजरेगा वो वक्त के अंदर हो सकता है कोई वैक्सीन भी आ जाए। अब आते हैं हमारे अगले सेक्शन पर, कोरोना वायरस और हमारी मस्जिदें। इस्लाम हमारी रहनुमाई हर सिचुएशन के ताल्लुक से करता है। ऐसी सिचुएशन के ताल्लुक से रहनुमाई हमें मिलती है बाज उन हदीसों से, मिसाल के तौर पर जब बहुत सख्त ठंडी थी या बहुत सारी बारिश थी, कीचड़ था, तो उस सिचुएशन के अंदर हमें सहाबा से मिलता है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने को कोट करते हुए बताया और खुद भी अप्लाई किया कि जिसके अंदर अजान में हय्या अलस्सला की जगह अलस्सलु फिर रिहाल, अपने घरों में ही नमाज पढ़ो, ये अजान के अंदर कहा गया था। यही चीज हम देखते हैं कि कुवैत में इंप्लीमेंट हुई जब सारी की सारी मस्जिदों को लॉक कर दिया गया और अजान के अंदर हय्या अलस्सला की जगह क्या कहा गया आप सुन सकते हैं। कुवैत के अलावा हम देखते हैं यूएई में भी यही हुआ, इसी तरह सऊदी में भी 17 मार्च से सारी मस्जिदों को बंद कर दिया गया है, सिर्फ मक्का और मदीना के दोनों हरमैन शरीफैन को खुला रखा गया है। क्या किया जा रहा है, उस ब्लॉकिंग सिस्टम पर अमल किया जा रहा है। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस में जिक्र है कि अगर किसी जमीन में ताऊन आ जाए, प्लेग आ जाए, तो उस जमीन में दाखिल भी नहीं होना चाहिए और जो लोग वहां मौजूद है वो वहां से निकले भी ना। इसी वजह से एक लॉकडाउन पोजीशन कर दी गई है, बाहर से आने वाले लोगों को भी रोक दिया गया है। अब मैं आपको एक दूसरी हदीस बताता हूं, सही बुखारी की हदीस में आता है, वो फिर मिनल मजदूमी कमा तफिर मिनल असद, एक कोड़ वाले शख्स से, लेप्रसी वाले शख्स से उस तरह से दूर रहो, उस तरह से भागो, कमा तफिर मिनल असद, जिस तरह से तुम शेर से दूर भागते हो। ये चीज आम लोगों के ताल्लुक से है, जाहिर सी बात है जो डॉक्टर्स है उन्हें इलाज तो करने कहा गया है, वो तो एक अलग बात है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारा भरोसा अल्लाह पर है, मदद तो अल्लाह की तरफ से है, कोरोना वायरस से थोड़ी डरना चाहिए, मस्जिद में जाएंगे अल्लाह से मदद मांगेंगे तो अल्लाह की मदद मिलेगी। लेकिन हम ये देखते हैं कि अल्लाह पर भरोसा होने का मतलब ये थोड़ी है कि कॉमन सेंस नहीं इस्तेमाल करना है। अब यहां पर ऐसा थोड़ी है कि मुझे अल्लाह पर भरोसा है, मुझे थोड़ी डर लगता है। यहां पर सिखाया गया है कि नहीं, एहतियात भी तुम्हें लेना है, एहतियात लेने के साथ साथ में अल्लाह पर भरोसा करना है। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिकल मिसाल है। सकीफ कबीले का एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैत लेने के लिए आया था और उसे कोढ़ की बीमारी थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बैत दूर से ही कबूल कर लिया और कहा, इन्ना कद बायानका फर्जी, हमने तुम्हारी बैत कबूल कर ली है, अब तुम चले जाओ। सही बुखारी सही मुस्लिम में हदीस है कि बीमार ऊँटों को सेहतमंद ऊँटों के साथ में मत रखो। ऐसा नहीं कहा गया हमारा भरोसा अल्लाह पर है, कुछ नहीं होता है। नहीं, बीमारी को भी समझना है, उसकी शिफा को भी समझना है, जहां पर बीमारी है वहां बीमारी से कैसे बचा जाए उस बात का भी ख्याल रखना है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह बकरा सूरह 2 आयत नंबर 195 में कि अपने ही हाथों से अपने आप को मत हलाक करो। अब हम इंडिया की बात देखते हैं। इंडिया में गवर्नमेंट ने सामाजिक तौर पर एक दूसरे से दूर रहने, सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो कही है, स्कूलों को अक्सर जगहों पर बंद कर दिया गया है।
इसी वजह से बाज मंदिरों ने भी बंद किया है, बाज मस्जिदों ने भी बंद किया है। अब सवाल यह है कि जिस तरह का पूरा लॉकडाउन सऊदी अरेबिया में गल्फ में उन्होंने किया है और जो साइंटिफिक तौर पर कोरोना वायरस को डील करने का सबसे स्ट्रांग तरीका है कि इस बीमारी का कोई इलाज तो नहीं है, इसकी कोई वैक्सीन तो नहीं है, अब इस चीज से बचना है, अगर हमारी सोसाइटी को बचाना है, हमारे माशरे को बचाना है, हमारी कंट्री को बचाना है, तो बचाने के लिए इस तरह से एक दूसरे से दूर रहना होगा यहां तक कि बीमारी अपना दम तोड़ दे। मान लीजिए इस टाइप की टोटल लॉकडाउन पोजीशन अगर इंडिया में भी आ जाती है तो जमात से नमाज पढ़ने के अजर का क्या होगा? हमें हमारा अजर हमारी नियतों की बुनियाद पर मिलेगा। बल्कि मैं तो वो लोगों से भी कहूंगा जो रेगुलर नहीं थे, वो भी अभी नियत कर लें और घर में आप बच्चों के साथ में भी जमात से नमाज पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में मेरा ये मकसद है कि मैं सारे फैक्ट्स, सारी डिटेल्स आप सबके सामने ला सकूं, और वो मैंने कोशिश की। मस्जिदों को वक्ती तौर पर लॉक करना है या नहीं करना है, ये फैसला तो उलमा इकराम ही करेंगे, जमातें और जमीयतें ही करेंगी। बहुत से लोग कोरोना वायरस के सेटअप को इस वजह से नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो आज की दुनिया में क्या सिस्टम चल रहा है बीमारियों के ताल्लुक से वो नहीं जानते हैं। ये वो दुनिया है जिसके अंदर बीमारियां क्रिएट की जाती है बायोलॉजिकल वॉरफेयर के नाम में। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं, आपको पता होगा 2005-06 की बात है, बर्ड फ्लू फैला था। बर्ड फ्लू इतना डेडली था, इतना खतरनाक था कि अगर किसी को हो जाता तो उसके अंदर डेथ रेट 60% था, 60%। लेकिन यह बीमारी बहुत कम लोगों को होती थी, सिर्फ उन्हीं लोगों को होती थी जो कोई इन्फेक्टेड बर्ड को खा ले, बल्कि खाने वालों को भी सबको नहीं होती थी, किसी किसी को ही होती थी। इस बीमारी के ऊपर अमेरिका की लेबोरेटरीज में एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसके जरिए उन्होंने कोशिश की कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि यह बीमारी जो सिर्फ बर्ड को खाकर होती है वो एक इंसान से दूसरे इंसान को कंटेजियस तौर पर हो जाए। और वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ जिसे लेबोरेटरीज में बंद करके रखा गया है। कोरोना वायरस का तो बर्ड फ्लू से कोई ताल्लुक नहीं है, उसी दुनिया में कोरोना वायरस निकल कर आई है। एक बहुत ही स्ट्रेंज बीमारी है, उसे समझ में आपको आए या ना समझ में आए, ये समझ में आ जाना चाहिए कि इस बीमारी से बचने का बेस्ट तरीका वक्ती तौर पर, टेम्पररी तौर पर लॉकडाउन कर देना है ताकि बाकी की जिंदगी सेफली हम सबकी गुजरे, हमारे बुजुर्गों की गुजरे, हमारे कमजोरों की गुजरे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको ये मामले की संगीनी को समझने की तौफीक दे और इससे सही तरह से डील करने, सही तरह से इसका सामना करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।